गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल हैं सभी के? लास्ट के दो लेक्चर्स धोनी कह रहा हूँ उष्मा, उसको एक बार सही से देखिए। सही से अभी लोगों ने देखा नहीं है लग रहा है, उसको ज़रा आप देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। मैंने कितना अच्छा कंटेंट दिया हुआ है उसमें, जो लोग पूरा देखे होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जनरली वो चीज़ें मिलती नहीं है यार, है ना। जनरली वो चीज़ें मिलती नहीं है, दिक्कत हो जाती है लोगों को, ठीक है। तो अब कितना याद करके रखोगे, वो जहन में उतर जाएगी वो लेक्चर्स, ऐसे लेक्चर्स हैं वो, ठीक है। और उसमें मैंने पूरा पढ़ाने का प्रयास किया है, अभी छोड़ छोड़ के पढ़ाओ तो अच्छा लगेगा। तो आप लोग एक बार उसको देखिए यार, ज़रूर देखिए, ठीक है। और वॉचिंग कम है ज़्यादा है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो बच्चे वाकई में देख रहे हैं लेक्चर्स वो देखें, सही से देखें, मेरे कहने पर सही से देखें, है ना, तब आपको समझ में आएगा। आज का जो टॉपिक है आपको दिख रहा होगा, कवर पेज से ही समझ में आ गया होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इससे सवाल बनते ही बनते हैं, कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो, कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो, वहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं और जो किसने उनको इन्वेंट किया है, हम उसके बाद कर रहे हैं। इसी तरह की वीडियोस में और लेकर के आने वाला हूं, जिसमें फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं, ताकि लास्ट टाइम में आप बहुत तेज़ रिवीजन कर लें, ठीक है। यहां से सवालें पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ इसको पूरा अच्छे से देखिए और कोशिश करिए। पीडीएफ तो अवेलेबल हो जाएगी आपको, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके बाहर नहीं भी पढ़ेंगे ना तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ये है, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पहले फिजिक्स से करेंगे, फिर बायोलॉजी का आएगा और क्या है फिर केमिस्ट्री का आएगा। खोज तो पता नहीं लाखों हुई हैं, अब लाखों तो याद नहीं कर पाओगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए, हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही जो है इस पे क्या है, वही हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है बात। चलिए आगे चलते हैं। जिन लोगों ने ऐप वगैरह ना डाउनलोड किया हो, हालांकि आप सभी लोगों को पता है तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर विषय पर चर्चा नहीं करूंगा। जिन लोगों ने ऐप ना डाउनलोड किया हो, ऐप डाउनलोड कर लें और शेयर करने का मन हो तो कर दीजिएगा। देखिए, ईयर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ईयर क्या है इनका, कि किस ईयर में ये किए गए हैं इन्वेंट, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ईयर को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल केवल नाम को याद रखिए। और जिस पे मैं स्टार बनाता चलूँगा उसको तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानिए, हैं बहुत ढेर सारे, लेकिन आपको जो सब स्टार बना दूंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा देखते चलिएगा, ठीक है ना। कंप्यूटर देखिए आपको दिख रहा है, कंप्यूटर, ठीक है, पहला है कंप्यूटर। फादर जो कहा जाता है, ठीक है ना, फादर भी कहा जाता है किसको, चार्ल्स बबेज को। तो पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। क्या है, कौन है, चार्ल्स बबेज, क्लियर, चार्ल्स बबेज। एयर कंडीशनर आपने कैरियर की एसी सुनी होगी, ठीक है, तो विलिस कैरियर, इन्होंने ही एयर कंडीशनर जो एसी है उसकी खोज की थी, तो कैरियर नाम की एसी भी आती है, ठीक है। कुछ नाम तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे समझ में आ जाते हैं कि इन्होंने ये चीज़ खोजी हुई है। जल्दी से आगे आते हैं, इलेक्ट्रिक लैम्प, ठीक है, इलेक्ट्रिक लैम्प किसने खोजा था, इलेक्ट्रिक लैम्प की जो खोजकर्ता थे वो थॉमस अल्वा एडिशन थे। और एक बात याद रखिएगा, डीसी करंट, इसलिए मैं यहाँ पे और बताता चल रहा हूँ, डीसी करंट मतलब जो बैटरीज वगैरह से जो करंट निकलती है वो डायरेक्ट करंट होती है, उसको डीसी करंट कहा जाता है, दुष्ट धारा कहा जाता है। और उसकी खोज भी किसने की थी, थॉमस अल्वा एडिसन महोदय ने की थी। और जो एसी करंट है, एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट, जो बिजली जो तारों में बह रही होती है, उसकी जो खोज की थी वह थे उनके शिष्य थे एक, किसने, निकोलस टेस्ला महोदय ने की थी, ठीक है ना। तो इन्होंने डीसी की खोज की थी, और एसी की खोज अगर मैं यही लिखूं तो निकोलस टेस्ला, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत बीच में अगर एकाक नाम और आएंगे तो उसको बॉदर मत करिएगा, वो सही है, ठीक है। एनीमोमीटर की खोज किसने की थी, एल्बर्टी ने की थी, ठीक है। जहां मैं स्टार बना दूंगा उसको बहुत अच्छे से देखिएगा, ये बल्ब वाला भी स्टार है पॉइंट, इसको भी अच्छे से देखिएगा। टेलीविजन कई बार एग्जाम्स में आई है, टीवी की खोज किसने की थी, जॉन बेयर्ड,
किसने की थी? जॉन बेयर्ड। एक्सरे अनगिनत बार पूछी गई है, स्टार बनाइए इसको भी। कौन है मेरे भैया? रॉन्टिजन, ठीक है ना। रॉन्टिजन महोदय ने इसकी खोज की थी, किसकी? एक्सरे, आंतरिक भागों की जांच के लिए, जैसे खासकर हड्डी वगैरह कहीं अगर टूट वगैरह गई है तो उसकी जांच के लिए एक्सरे, है ना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, जरा देखिएगा। टेप रिकॉर्डर, पॉल्सन, तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। एयरप्लेन, एरोप्लेन नहीं, एयरप्लेन जो शुरुआत में हवा में उड़ने के लिए उन्होंने बनाया था। राइट ब्रदर्स थे, ठीक है, राइट ब्रदर्स थे, विल्बर एंड ऑर्विली राइट, ठीक है। तो राइट ब्रदर्स ने जो है खोजा था ये, इसको स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, जिस पे स्टार बना दूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाईफोकल लेंस बनाया था, तो इनका नाम जो है फ्रैंकलिन महोदय का, बेंजामिन फ्रैंकलिन का बाईफोकल लेंस के लिए भी लिया जाता है, और भी चीजें इन्होंने की हुई थी, ठीक है ना। बैरोमीटर आपको पता है दाब नापता है, इसकी खोज किसने की थी? टॉर्सिली महोदय ने। स्टार है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर दाब मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके लिए किसने इस्तेमाल किया हुआ है? किसने इस्तेमाल किया है? टॉर्सिली ने जो है इसकी खोज की थी, ठीक है। बॉल पॉइंट पेन, जॉन लाउड, लेकिन बॉल पॉइंट पेन कम पूछता है, फाउंटेन पेन ज्यादा पूछता है, जो इंक है, तो इंक वाले के हैं वाटर पेन, वो आगे है एक जगह, ठीक है। बाइसिकल भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? मैकमिलन महोदय ने किया है, किसने किया है? मैकमिलन, मेरे साथ रटते चलिए, अभी सब धड़ाधड़ रिवाइज करा देंगे, अभी पूछ भी लूंगा सबसे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैकमिलन बाइसिकल, मैकमिलन, ठीक है। क्लॉक जो घड़ी, दीवार वाली घड़ी है, उसके लिए किसने? लिंगसेन, लिंगसेन, ठीक है, लिंगसेन महोदय का नाम लिया जाता है। चलिए आपने यहां से देख ली इन बातों को, जिस पे स्टार बनाता चल रहा हूं, प्लीज आप उसको अच्छे से नोट करते चलिए, क्योंकि वो ज्यादा बार में हमको ज्यादा एक्सपीरियंस है यार इस चीज का, कि क्या यहां से वो अलग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, यहां से जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी है। डीजल इंजन, रोडोल्फ डीजल, बहुत इंपॉर्टेंट, डीजल इंजन रोडोल्फ डीजल, ठीक है। और भाप वाला इंजन जेम्स वाट, भाप वाला इंजन जेम्स वाट महोदय ने किया हुआ है, ठीक है ना। सेंटीग्रेड स्केल, जो सेंटीग्रेड स्केल जो रहती है, जिससे तापमान मापा जाता है, सेल्सियस ही है, तो सेल्सियस में नापा जाता है शुरू में, तो उसको सेल्सियस महोदय ने ही खोजा था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फैन, जो पंखा है, बिजली वाला पंखा है, उसकी खोज व्हीलर महोदय ने की थी, यह भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक बैटरी, बैटरी जो थी, बैटरी की खोज किसने की थी? वोल्टा ने की थी, किसने की थी? वोल्टा ने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर ग्रैमी ने खोजा था, इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लिख दिया है आपके लिए ताकि आप वो करिए। देखिए फाउंटेन पेन आ गया, इंक वाली जो पेन है वाटरमैन ने, वाटरमैन ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साल आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है यार, प्लीज, ठीक है, साल याद मत करिएगा, वाटरमैन ने किया है। इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है किसी, जैसे बूंद है कोई, वाटर ड्रॉपलेट है यार, तेल की बूंद वगैरह पे कितना आवेश है, आवेश पता करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसने किया था? जीन नॉलेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा? डीजल इंजन में रोडोल्फ डीजल, सेंटीग्रेड जो स्केल नापी जा रही तापमान वाला उसके लिए सेल्सियस, इलेक्ट्रिक पंखा व्हीलर, वोल्टा इलेक्ट्रिक बैटरी, वाटरमैन किसने? फाउंटेन पेन, और नॉलेट इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, जरा देखिए। हॉट एयर बैलून, ठीक है, हॉट एयर बैलून जो हवा, गर्म हवा वाला गुब्बारा रहता है, उसके लिए खोज कौन किया है भैया? मॉन्टगोल्फियर, ठीक है, मॉन्टगोल्फियर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा आपको इसमें देखना नहीं है। लाइटनिंग कंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बिजली को क्या काम करता है, नीचे जो है धरातल में ले जाता है, ग्राउंड जीरो कर देता है। लाइटनिंग अरेस्टर लगा रहता है बिल्डिंगों के छतों पर, लगा रहता है या कई सब स्टेशन में लगा रहता है, कि अगर अचानक से बिजली गिर जाए तो जो और आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो सही सलामत रहें। और इसकी खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जिसको इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ठीक है ना। लोकोमोटिव इतना देखने की जरूरत नहीं है आपको। लेजर, लेजर किसने की थी? चैरिस और टाउनर्स,
ठीक है ना, इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। ग्रामोफोन, थॉमस एडिसन। ग्रामोफोन, ग्रामोफोन किसने इस्तेमाल किया था सबसे पहले, किसने बनाया था, कौन थे इसके खोजकर्ता, थॉमस एडिसन। किसने किया था, थॉमस एडिसन। अब मोटरसाइकिल की खोज, भैया बहुत बड़ा इन्वेंशन था, एडवर्ड बटलर, एडवर्ड बटलर। ठीक है, बात समझ में आ रही है चीजें आप सभी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है यार, यहां से सवाल आपको बनेंगे। तो जरा देखिए इस पेज पे हमने क्या क्या देखा, जल्दी से इस पेज को रिवाइज कर लेते हैं। हॉट एयर बैलून माउंट गोल्फियर, लाइटनिंग कंडक्टर जो कि इंपॉर्टेंट था बेंजामिन फ्रैंकलिन, लोकोमोटिव क्या है रिचर्ड ट्रेविथिक, इनको इतना आपको देखने की जरूरत नहीं है। लेजर डॉक्टर चैरिस, ये याद रखिएगा। ग्रामोफोन इंपॉर्टेंट है, थॉमस एडिसन, और मोटरसाइकिल एडवर्ड बटलर। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। पैराशूट, पैराशूट का क्या है, ब्लैंकार्ड, ठीक है ना, जीन पेरी ब्लैंकार्ड, ठीक है ना। माइक्रोफोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल। पेसमेकर मत देखिएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रेडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो मार्कोनी, रेडियो, रेडियो की खोज किसने की है, मार्कोनी महोदय ने की हुई है। रिक्टर स्केल जिसपे भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, किसने की थी, पार्सन्स ने, चार्ल्स पार्सन्स ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सबमरीन, सबमरीन पनडुब्बी, पनडुब्बी की खोज बुशनेल, डेविड बुशनेल। ठीक है, याद रखिएगा, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सैक्सोफोन आपको याद है ना, जो बजाते हैं सैक्सोफोन बारात वगैरह में, ठीक है, किसने किया था, एडोल्फ सैक्स। ठीक है, एडोल्फ सैक्स। जल्दी देखिएगा नेक्स्ट, टाइपराइटर, जो टाइपराइटर है, हालांकि उसका जमाना चला गया है, पीटर मिशोफर। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर शॉकली, याद रखिएगा, शॉकली का नाम इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा इन्वेंशन था ट्रांजिस्टर्स का। ठीक है, जिसका मेनली इस्तेमाल शुरुआत में टीवी रेडियोस इन सब में हुआ है ना, तो शॉकली, विलियम शॉकली। ठीक है, टेलीफोन ग्राहम बेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीफोन ग्राहम बेल। थर्मामीटर, थर्मामीटर का इस्तेमाल किसने किया सबसे पहले, बनाया किसने, गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो। सीविंग मशीन एलियास होवे, सीविंग मशीन जो कपड़ा सिलने वाली मशीन थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब प्रिंटिंग प्रेस, यह भी कई बार पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, जोहान्स गुटेनबर्ग। तो जरा देखते हैं इसमें कौन कौन है, टाइपराइटर पीटर जी ने, ट्रांजिस्टर विलियम शॉकली, इनको याद रखिएगा, टेलीफोन ग्राहम बेल, थर्मामीटर गैलीलियो, सीविंग मशीन एलियास होवे, प्रिंटिंग प्रेस कौन है भैया, गटेनबर्ग, जोहान्स गटेनबर्ग। क्लियर, याद हो रहा है, पीडीएफ मिल जाएगी, परेशान मत होइए, लेकिन मेरे साथ याद करते पढ़ा रहता है, आप सभी लोगों को मालूम है। ठीक है, मेरे साथ एक बार रिवाइज करते चलिए, हो सकता है आपको चीजें याद रहे। ठीक है, अब जरा बायोलॉजी पर आ जाते हैं यार। ठीक है, बायोलॉजी के सेक्शन पे आ जाते हैं, फिजिक्स वाला सेक्शन जितना इंपॉर्टेंट हो सकता था उसमें करा दिया है, बाकी और जो बीच में चीजें आती रहती है वो तो मैं बोलता रहता हूँ, जब भी लेक्चर्स के बीच में आता है, आपको मालूम ही है, अगर मैं फिजिक्स का लेक्चर ले रहा हूँ तो उस दौरान मैं उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो ढेर सारे सिद्धांत अभी आने वाला है, हो सकता है कल ना आए परसों आए। ठीक है, कल ऐसा नहीं कि कल क्लास नहीं होगी, कल भी क्लास होगी, लेकिन हो सकता है कल के बजाय परसों कोई लेक्चर आए इसका, उसमें जितने सिद्धांत हैं आपके प्रिंसिपल्स और जो भी शाखाएं हैं, शाखाओं के अंदर कौन कौन से जो है विज्ञान पढ़े जाते हैं, उन सारा एक वीडियो पूरा लेकर के आने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा वो, बहुत मजा आने वाला है उसमें। ठीक है, चलिए, एस्पिरिन किसने खोजा है, एस्पिरिन डॉक्टर फेलिक्स हॉफमैन, हॉफमैन जी ने खोजा है एस्पिरिन को। ठीक है, ब्लड ग्रुप विलियम कार्ल लैंडस्टीनर, रक्त समूह की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने की थी। ब्लड सर्कुलेशन रक्त परिसंचरण, विलियम हार्वे, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे। इंसुलिन, इंसुलिन फ्रेडरिक बेंटिंग, याद रखिए बहुत, इसके तो सभी इंपॉर्टेंट है, मैं किसके ऊपर स्टार बनाऊं, ये अभी तक सब पे स्टार बना हुआ है।
ठीक है, फ्रेडरिक मेंटिंग, पोलियो वैक्सीन, जरा देखिए पोलियो, जो एडवर्ड साल्क, साल्क महोदय ने पोलियो के लिए टीका बनाया था, पोलियो वाला टीका किसने बनाया है, जॉन साल्क ने, पूरा नाम है ठीक है, जॉन एडवर्ड साल्क ने। स्टेथोस्कोप, जिससे धड़कन सुनी जाती है ठीक है, बहुत से लोग ऐसे भी सुन लेते हैं, वो अलग तरीके का है उनका ठीक है, भगवान ने उनको बनाया है कि हाँ भैया लाओ धड़कन सुन ले, है ना, लोग कहते नहीं तुम तो मेरी धड़कन हो, पता नहीं किस हिसाब से बोल दिया जाता है ठीक है, सुनो तो दोनों के एक ही जैसी दिखेगी, ऐसे कान लगा के सुनो, है ना। चलिए अभी मत सुनने लगो ठीक है, कि पता चला कि भावनाओं में बह गए और धड़कन ही सुनने के चक्कर में, देखना धड़कनें बंद भी हो जाती हैं कभी कभी, है ना, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन चलिए कुछ मामलों में एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है तो कुछ बातें निकल जाती हैं। आइए स्टेथोस्कोप, धड़कन सुनिए, कौन है, लेनेक, रेने लेनेक, लेने के देने ना पड़ जाए ठीक है, रेने लेनेक ठीक है। चलिए पेनिसिलिन, पेनिसिलिन भैया किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है, आप देख लीजिए कोई ऐसा है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ, ये मैंने तमाम तरीके के जो भी एसएससी सीजीएल यूपीपीसीएस एमपीपीसीएस बिहार पीसीएस और जो आपके और वनडे लेवल के एग्जाम है एसआई वगैरह ठीक है, वहां से सबको कंपाइल करके छांट करके ले आया हूं, तो जो भी आने वाले एग्जाम है मुझे लग रहा है कि अगर वो पूछना चाहेंगे तो यहीं से पूछेंगे यार, अब वो ऐसा नहीं पूछ देंगे क्योंकि कोई बता ही ना पाए तो क्या मतलब निकलेगा, है ना, एग्जाम इसीलिए होता है ना कि भाई सब लोग कर लो, कौन कितना पढ़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये समझ में आया। नेक्स्ट पर आते हैं जरा, विटामिन ए की खोज हॉपकिंस ने की है, किसने की है, हॉपकिंस ने की है, कई लोगों का मतभेद था इस चीज को लेकर के जब मैंने क्लास ली थी विटामिन वाली ठीक है, तो यार देखिए कुछ चीजें किताबों में अलग अलग भी दिखी रहती हैं, है ना, किताबों में कुछ चीजें अलग अलग भी लिखी रहती, लेकिन हमको सही आंसर पे जाना रहता है। हॉपकिंस महोदय है, विटामिन बी फंक ने और आइजकमैन कहते हैं, क्रिश्चियन आइजकमैन, इनका भी नाम कभी कभी दे दिया जाता है ठीक है, पर बेसिकली फंक भी इसके लिए जाने जाते हैं ठीक है। विटामिन की खोज किसने की, अगर सिर्फ और सिर्फ विटामिन शब्द की बात करें तो वह फंक ही आते हैं ठीक है, विटामिन बी में भी कहीं ना कहीं फंक का योगदान है, बी वन जो सबसे पहला विटामिन खोजा गया था दैट वॉज डिस्कवर्ड बाई फंक ओके। विटामिन सी अल्बर्ट जेंट, विटामिन सी अल्बर्ट जेंट महोदय ने खोजा था। विटामिन डी एडवर्ड मेलन बाई, विटामिन डी एडवर्ड मेलन बाई। विटामिन ई इवांस एवं कैथरीन ने खोजा था। विटामिन के हेनरिक डैम ने खोजा था ठीक है। पहले तो आप इसको देखिए जरा, देखिए जरा, पढ़िए सबको क्या क्या लिखा है, जरा पढ़िए सबको। विटामिन ए खोजकर्ता हॉपकिंस, विटामिन बी खोजकर्ता कौन मेरे भैया, कौन है, क्रिश्चियन आइजकमैन और फंक ने। विटामिन सी अल्बर्ट जेंट, विटामिन डी एडवर्ड मेलन बाई, विटामिन ई इवांस एवं कैथरीन, विटामिन के हेनरिक डैम। डीडीटी पर आ जाइए, डीडीटी पर ठीक है, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइइथाइल डाइक्लोरो डाइथाइल डाइक्लोरो, अब वहां ऐसे दिख नहीं रहा है, मैं इधर लिखे दे रहा हूं, डाइक्लोरो डाइथाइल ट्राइक्लोरोइथेन ट्राइक्लोरोइथेन ट्राइक्लोरोइथेन, कहीं लिख लेना इसको। डीडीटी कीटनाशक था, इसका फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइथाइल डाइक्लोरो डाइथाइल डाइथाइल
ट्राइक्लोरोइथेन। तो पहला वाला डी डाइक्लोरो, दूसरा वाला डी डाइथाइल और तीसरा वाला जो टी है ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, यह कीटनाशक था, अभी गवर्नमेंट ने इसको बैन कर रखा है। क्या कर रखा है गवर्नमेंट ने इसको भैया? बैन कर रखा है। समझ में आई बात? ठीक है, तो चले हम लोग आगे चले। तो विटामिन ए हो गया, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये आपको लग रहा होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में पूछे गए ये। ठीक है, जिन लोगों ने विटामिन्स का चैप्टर ना देखा हो मेरा, जा करके देख लीजिए, मैंने वहां विटामिन्स पूर्णतया पूरा अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और भी लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने अगर सही से उसको नहीं देखा है तो आप यार उसको देखिए एक बार। ठीक है, आप लिफाफा देख करके अंदर नहीं बता सकते हैं कि खत में क्या लिखा हुआ है, लिफाफा देख के कोई काम नहीं कर सकता है। ठीक है, आप जाइए उसको लेक्चर्स को अगर सुन सकते हैं, मन हो तो एक बार सुनिएगा ज़रूर। इन्फॉर्मेशन जो मैं देता हूँ वो इतनी जेन्यून रहती है कि जल्दी मिलेगी नहीं। ठीक है, लोग कहते हैं सर मैं देखिए अब चाहूँ तो यहाँ पूरा बोर्ड पर जो है आपको पीपीटी से पूरा मैं पढ़ा सकता था जितने लेक्चर्स हुए हैं, लेकिन कलम चलती है तो उससे अलग मेहनत भी आती है और अंदर से सारे डाटा फैक्ट्स कॉन्सेप्ट्स निकल करके आते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात आप? चलिए आगे आते हैं, हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जेनेटिक कोड, अनुवांशिक कोड, अनुवांशिक कोड जानबूझ के अंग्रेजी लिखा हुआ है। ठीक है, अंग्रेजी में लेकर के लिखा हूं ताकि आपको सभी के सभी, मैं समझा भी तो रहा हूं ना यार, कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि मैं बोल नहीं रहा हूं, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएंगी। ये वर्ड इसी तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वजह से ऐसा लिखा हुआ है ना। मुझे किसी पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है। ठीक है, एक बार काटा था लेकिन वो पागल नहीं था, बचपन में काटा था वो भी मेरे, है ना। तो यहां पर फिलहाल अभी यह देखिए, जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना, जेनेटिक कोड अनुवांशिक कोड किसने खोजा? हरगोविंद खुराना महोदय ने। स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स चेचक के टीके की खोज, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर। बायोलॉजी में जितना लिखा हूं किसी भी स्टार बनाने की जरूरत नहीं, सब का सब इंपॉर्टेंट है। प्रथम बार जो हृदय ट्रांसप्लांट हुआ था, ठीक है, वो किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड, और जहां तक मुझे याद है शायद ऑस्ट्रेलिया की बात है ये। ठीक है, होम्योपैथी, होम्योपैथी सब नाम जानते हैं, हनीमैन। ठीक है, कौन है भैया? हनीमैन। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस और कॉलरा का जो वैक्सीन है, टीका है, टीबी क्षय रोग, टीबी को क्षय रोग कहा जाता है, यह जीवाणु जनित है, यह जीवाणु जनित है, कॉलरा भी क्या है? जीवाणु जनित है। और इसके लिए जो वैक्सीन, इसके जो टीका बनाया था वो रॉबर्ट कोच महोदय ने बनाया था। अगर यह नाम नहीं दे रहा है और वहां पर अगर यह लिख रहा है, एक नाम और आता है जैसे बैसिली कालमेटिग्यूरिन महोदय थे, ग्यूरिन, इनका नाम टीबी के लिए भी आता है। ठीक है, बीसीजी का जो टीका है ना, बीसीजी का भी टीका जो है वह ग्यूरिन महोदय ने बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे दोनों बातें हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग और कॉलेरा, रॉबर्ट कोच को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन ये तो हो गया है, मैंने बता दिया था, यहाँ पर आ गया था। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी जॉहनसन। ठीक है ना, जॉहनसन। चलें नेक्स्ट, चले मेरे भैया, चला जाए। टिटनेस, टिटनेस की वैक्सीन, टिटनेस का टीका सर्वप्रथम बेहरिंग महोदय ने बनाया था। ठीक है, किसने? बेहरिंग, बेहरिंग, क्लियर। फंगस की खोज, कवक की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन परसून ने की थी। कवक की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन परसून ने की थी। माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। नामकरण बेंडा ने किया था, वो बात अलग है, नामकरण बेंडा ने किया था, पर अगर खोज की बात करेंगे तो माइटोकांड्रिया को जो खोजा था वो रिचर्ड अल्टमैन ने। न्यूक्लियस, प्लांट न्यूक्लियस की यहां बात कर रहा हूं, जो पादप न्यूक्लियस है, केंद्रक है, उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कोशिका की खोज, जो प्लांट कोशिका है मधुमक्खी को उसके जो छत्ता था उसको जो देख करके था, वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। तो ये दोनों नाम फंसा देते हैं कभी कभी, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक और रॉबर्ट पूरा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक महोदय ने की थी। प्रोटोजोआ परिजीवी गोल्डफस महोदय ने की थी। किसने की थी? गोल्डफस महोदय ने की हुई थी। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे कितने इंपॉर्टेंट हैं।
नर्व सेल तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल तंत्रिका कोशिका रेमन कजाल जी ने की थी। किसने की थी? रेमन कजाल महोदय ने की थी। क्या यहां तक सारे पॉइंट समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं? देखिए कितने इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? कोई कह दे कि यहां से सवाल नहीं आता है, नहीं कह सकता, ठीक है? वह यह नहीं कह सकता कि यहां से सवाल नहीं आते हैं, ठीक है बात? चलिए रेमन का जाल हो गया है ना। अब आगे आइए, जरा आगे आते हैं, जरा नेक्स्ट पर आते हैं, जरा देखते हैं। देखिए अब यहां से कौन स्टार्ट हो गए हैं, यहां से स्टार्ट हो गए हैं आपके भैया केमिस्ट्री के, ठीक है? यहां से स्टार्ट हो गए हैं आपके केमिस्ट्री के, ठीक है? यहां से स्टार्ट हो गए केमिस्ट्री के। देखिए तो पहले पर आते हैं हम लोग, ठीक है? देखिए लॉर्ड रदरफोर्ड, रदरफोर्ड जी ने किसकी खोज की है भैया? नाभिक की खोज की है, ठीक है? रदरफोर्ड जी ने किसकी खोज की है? नाभिक की खोज की है। आप एक एक करके इनको देखते चलिए, ठीक है? बायोलॉजी और फिजिक्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इधर वाले से मान लीजिए कि इक्का दुक्का आ जाते हैं तो आ जाते हैं, ठीक है? केमिस्ट्री वाले से जनरली इसके नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के हैं जे थॉमसन, ठीक है? न्यूट्रॉन के हैं जेम्स चैडविक, और प्रोटॉन के हैं रदरफोर्ड बोल दिए जाते हैं। तो नाभिक की खोज किसने की थी? लॉर्ड रदरफोर्ड ने की थी। मोसले, मोसले महोदय ने क्या काम किया था भैया? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर और आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को खोजा था। किसने किसने खोजा था? मोसले महोदय ने। क्लियर है बात? आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता भी मोसले थे, उन्होंने ही बनाया था। पर आवर्त सारणी बनाई थी आपकी मेंडलीफ ने, ठीक है ना? ये देखिए नीचे लिखा भी हूँ। प्लैंक, प्लैंक ने क्या काम किया था? क्वांटम सिद्धांत दिया था। प्लैंक महोदय ने क्या किया था? क्वांटम सिद्धांत दिया था, ठीक है? नील बोर महोदय ने क्या दिया था जरा देखिएगा, जिनको बताता चल रहा वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकियों के ऊपर आप अगर ध्यान नहीं भी दे पाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है? परमाणु संरचना का बोर सिद्धांत, ठीक है? परमाणु संरचना किस तरह से हो रखी है, ठीक है, उसके लिए किसने दिया था? नील बोर ने दिया था, ठीक है? परमाणु का संरचना किस तरह से ये पैक्ड हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, उसके बारे में नील भूर महोदय ने बताया था। कार्ल डी एंडरसन ने पोजिट्रॉन की खोज की थी, इंपॉर्टेंट है। एंडरसन जी ने किसकी खोज की थी? पोजिट्रॉन की खोज की थी। क्रॉम्पटन महोदय ने फोटॉन की खोज की थी, ठीक है? क्रॉम्पटन महोदय ने किसकी खोज की थी? फोटॉन की खोज की थी। मेंडलीफ आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी, जो सबसे पहली आवर्त सारणी बनाई गई थी वह मेंडलीफ ने बनाई थी, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी मोसले महोदय ने बनाई थी, ठीक है? और कोसेल तथा लुईस, कोसेल तथा लुईस क्या किए हैं? कोसेल तथा लुईस संयोजकता, वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से हो रहा है के एलिमेंट, उसकी बात की थी। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये मोसले, प्लैंक, क्रॉम्पटन, मेंडलीफ, कोसले, कोसेल, ये इंपॉर्टेंट है आपके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बाकी नॉर्मल चीज़ें तो याद ही रहता है। लॉर्ड रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आया जाए, नेक्स्ट पेज पर आए। चलिए मैडम क्यूरी इंपॉर्टेंट है। मैडम क्यूरी ने रेडियम तथा पोलोनियम की खोज की थी, ठीक है? रेडियो एक्टिव तत्व है रेडियम और पोलोनियम, और रेडियो सक्रियता की जो खोज की थी वो हेनरी बेकरल ने की थी। किसने की थी? हेनरी, हेनरी बेकरल, ठीक है? हेनरी बेकरल महोदय ने की थी। समझ में आई बात? किसने की थी? हेनरी बेकरल महोदय ने की थी। इसके बाद रदरफोर्ड, रदरफोर्ड और फैजान तथा सोडी वर्ग विस्थापन नियम, वर्गों का जो विस्थापन होगा उसका नियम फैजान तथा सोडी ने दिया था। रदरफोर्ड ने कृत्रिम नाभिकीय रूपांतरण, कृत्रिम नाभिकीय रूपांतरण की जो खोज की थी वह रदरफोर्ड जी ने की थी, ठीक है ना? समस्थानिकों की खोज, आइसोटोप्स, आइसोटोप की खोज किसने की थी? आइसोटोप का मतलब जिनका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या सेम होती है पर द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, ऐसे तत्वों को क्या बोला जाता है? एक दूसरे का समस्थानिक बोला जाता है। इसकी खोज सोडी ने की थी, ठीक है ना? यूरे, यूरे ने भारी पानी की खोज की थी, D2O।
यह मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। नाभिकीय संयंत्रों में D2O का इस्तेमाल किया जाता है, भारी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूटीओ का मतलब है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, या मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है रिएक्शन को स्लो करने के लिए। लैवाशिए द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि द्रव्यमान को ना ही बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं बस। अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने क्या किया था, सापेक्षता का सिद्धांत आपको पता है, लेकिन साथ ही साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वह अभी इन्होंने ही खोजा था, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोजकर्ता भी कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, डाल्टन महोदय ने आंशिक दाब का नियम, पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब का नियम किसने दिया था, डाल्टन महोदय ने दिया था। तो इनमें जिनके बारे में मैंने ज्यादा डिस्कस किया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर आप नहीं भी याद कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनको मैं केवल करा रहा हूं आपको क्लास में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चलते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं जरा। देखिए, जीएम लुइस सह संयोजकता कोवैलेंसी की खोज किसने की थी, जीएम लुइस। मोसले मैंने पहले ही बता दिया था आपको, आधुनिक आवर्त सारणी। सोरेनसन महोदय जी ने पीएच स्केल की बात की हुई थी, पीएच स्केल की बात की थी। ठीक है, इसके बाद है गोल्डबर्ग तथा वेक, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। ठीक है ना, इसके बाद फैराडे पर आइएगा। फैराडे महोदय ने तो वैसे तो बहुत से खोजें की हैं, लेकिन अगर केमिस्ट्री केस में देखें तो वैद्युत अपघटन का सिद्धांत, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस। बर्कले परासरण दाब का नियम, ठीक है, परासरण दाब का नियम। ओसवाल्ड तनुता नियम। और रॉन्टिजन जी ने किसकी खोज की थी, एक्सरे मशीन की थी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरे वाला। बाकी इसमें से अगर आप और ना देखें तो बस इसको याद रखिएगा, मोजले इनको याद रखिएगा, सोरेनसन, गोल्डबर्ग तथा बर्ग, फैराडे, बर्कले, रॉन्टिजन, बस इतने लोगों का नाम याद रखेंगे तो भी काम आपका चल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक जितने इंपॉर्टेंट बन सकते थे खोज एवं खोजकर्ता फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, वो मैंने डिस्कस किए, कुछ मैंने लेक्चर्स में ही ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप उन सबको सुने तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन एग्जाम में जो बार बार रिपीट होने वाले रहते हैं ये वही हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपसे बात करी। ठीक है बात, तो इनको थोड़ा याद रखिए, यहाँ से सवालें बनती हैं यार, इसको प्लीज़ जितने लोग भी देख रहे हैं पूरा देखें, बीच में ना छोड़ें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। और जितने मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को फिजिक्स और बायोलॉजी जो भी पढ़ाई है उसको एक बार आप रिवाइज कर लें। और दूसरी बात यह कि मैंने डीप में पढ़ाने का प्रयास किया हुआ है कुछ लेक्चर्स में, ठीक है, मुझे व्यूज से मतलब नहीं रहता है कि कितने व्यूज जा रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक आदमी चाह रहा था ना यार इतने लोगों कम क्यों लोगों ने देखा, वो इस वजह से क्योंकि वह सबके बात समझ में नहीं आ सकती है ना, जो ठीक ठाक स्टूडेंट होते हैं वो उस चीज़ को जेन्यून जो होते हैं वो समझ पाते हैं कि यार जो इसमें जानकारी दी जा रही है ये वाकई में हमको सुनना चाहिए, है ना। तो जो कम व्यूज रहते हैं वो वीडियोज़ का ऐसा मतलब नहीं है कि वो ख़राब वीडियो है, आप उसमें नॉलेज पे जाएंगे तो आपको सब समझ में आएंगी बातें, अगर आपका उतना दिमाग होगा तो। ठीक है, बाकी मैं और लोगों से मैं और कुछ इतना मुखातिब नहीं होता, आप लोग को पता ही है मेरा नेचर कैसा है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यार हम लोग जो है यहीं पर स्टॉप करेंगे। प्लीज़ जितना भी ये पढ़ाया हूँ आप पूरा इसको रिवाइज कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, PDF आपको मिल जाएगी इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, इसके क्वेश्चंस बनाने का कोई मतलब नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लास में पूरा करा दिया है इसको। ठीक है, अभी जब मैं एक क्विज और आगे भी कराऊंगा तो उसमें और चीज़ें आएंगी जो कि मैं अभी कराऊंगा कुछ दिनों में, एक पूरा का पूरा सेशन जो है क्विज का ही रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, सिर्फ और सिर्फ सवालें रहेंगे उसमें, केवल सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए, शेयर करने का मन हो तो शेयर कर दीजिए। चलिए तब तक के लिए चलता हूँ, कल मुलाकात करेंगे किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।